देखिए, ट्रस एनालिसिस दिया हुआ है। ट्रस एनालिसिस में अब हम कौन सा मेथड देख रहे हैं? ग्राफिकल मेथड देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल एक ट्रस बना हुआ है। तो इसको बनाने का तरीका पहले मैं समझा देता हूँ कि कैसे बना हुआ है। देखिए, ए से बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर, और 4 मीटर डिस्टेंस में, मतलब मिड पॉइंट में, एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट एफ। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? ये वाला जो मेंबर है उससे 30 डिग्री एंगल लेकर हम एक लाइन खींच लेंगे, और जो बी पॉइंट है इस मेंबर से हम 30 डिग्री एंगल लेके एक लाइन खींच लेंगे। दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, वो हमारा पॉइंट होगा सी, जो मिड पॉइंट होगा। अब हमने एफ़ और सी को मिला दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए से सी तक का जो भी डिस्टेंस आया है उसका हाफ लेके, उसका आधा लेके हम पॉइंट डी लोकेट करेंगे और डी से एफ़ को मिलाएंगे। सेम इसी तरह बी से सी तक का जो भी डिस्टेंस आया है उसका हाफ लेके हम पॉइंट ई लोकेट करेंगे और ई से एफ़ को मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ट्रस जो है बन जाएगा। अब सभी जो जॉइंट है उसको हम नाम दे देंगे, जैसे हमने नाम दिया है ए बी सी डी ई एफ़। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पॉइंट ए और पॉइंट सी पर, ए पर और बी पर क्या है? सिंपल सपोर्ट दिया हुआ है। पॉइंट ए पर क्या है? पॉइंट लोड दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन। डी पर दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन। उसी तरह सी पर है 400, ई पर है 200 और बी पर है 100 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसका एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस इन द सेंस क्या होगा, ग्राफिकल मेथड से हम क्या निकालेंगे? जो भी अलग अलग मेंबर्स दिए हुए हैं इस ट्रस में, ये सारे मेंबर्स हैं, इन सब मेंबर्स में कितना फोर्स आ रहा है, और वो जो फोर्स आ रहा है वो कंप्रेशन है कि टेंशन है, हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों का? देखिए, जितना भी लोड आ रहा है वो डाउनवर्ड है, तो ये दोनों सपोर्ट मिलके इन सभी लोड को बियर करेंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ से 4 मीटर दिया हुआ है और सेम 30 डिग्री एंगल है, यहाँ से भी 4 मीटर दिया हुआ है और 30 डिग्री एंगल है, और हम देख रहे हैं कि 100 किलो न्यूटन यहाँ भी है, 100 किलो न्यूटन यहाँ भी है, और 200 किलो न्यूटन यहाँ है, 200 किलो न्यूटन यहाँ है, और 400 किलो न्यूटन सेंटर में दिया हुआ है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये इस ट्रस को अगर आप बीच से काटोगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या है? सिमेट्रिकल दिख रहे हैं। तो सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो ए और बी में जो भी लोड आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो ए को हम लिख लेते हैं, मान लो ए में रिएक्शन फोर्स आ रहा है आर ए, और बी में मान लेते हैं रिएक्शन फोर्स आ रहा है आर बी। इनको हमने लिख लिया। अब हम टोटल फोर्स निकाल लेते हैं। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स सभी को ऐड कर लेते हैं तो 100 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन, 400 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन एंड 100 किलो न्यूटन। सभी को जोड़ने पे 1000 किलो न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1000 का हाफ पार्ट आर ए होगा और 1000 का हाफ पार्ट आर बी होगा। तो आर ए हमारा आ जाएगा 500 किलो न्यूटन एंड आर बी भी आ जाएगा 500 किलो न्यूटन। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए फोर्स कोई एक जो है, मान लो ट्रस आपका सिमेट्रिकल दिख रहा है लेकिन कोई एक जगह फोर्स अलग होता, तो हम इस मेथड से नहीं निकाल पाते, या फिर फोर्स जो है पूरे इस तरह से दिए हुए हैं सेम टू सेम और ट्रस सिमेट्रिकल नहीं होता, फिर भी हम इस मेथड से नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो ये वाला जो शॉर्ट मेथड है वो सिमेट्रिकल ट्रस विथ सिमेट्रिकल फोर्सेस है ना। ट्रस सिमेट्रिकल होना चाहिए और फोर्स भी सिमेट्रिकल होना चाहिए, उस केस में आप इस शॉर्ट मेथड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर इस मेथड से नहीं निकाल पाते तो हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने आर ए आर बी निकालना सीख लिया। अब आइए आगे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं।
देखिए, अब जो पहले हमने ट्रस बनाया था तो विदाउट मेजरमेंट था, अब हमको विथ मेजरमेंट ट्रस बनाना है। इसका मतलब क्या है कि हमको स्केल मानना पड़ेगा। स्केल इन द सेंस, स्केल मतलब कैसे, जो ट्रस का डायमेंशन मीटर में दिया हुआ है तो 4 मीटर और 4 मीटर 8 मीटर हो जाएगा। वो 8 मीटर तो ड्राइंग शीट में नहीं आएगा, ठीक है, तो हमको मान लेना है। आप अपने हिसाब से मान सकते हो। तो मैंने यहाँ माना है, मैंने माना है 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मैंने माना है, ठीक है। मतलब मैं ड्राइंग शीट में 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर लूँगा। तो उसी तरह टोटल जो 8 मीटर है वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप इसको 30 डिग्री लेके अब ड्राइंग शीट में मिलाओगे, दोनों को 30 डिग्री लेके ड्राइंग शीट में मिलाओगे, तो जो डिस्टेंस आएगा सेंटीमीटर में उसको भी आपको नाप लेना है। इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को नाप लेना है, इस लेंथ को भी मेजर कर लेना है कितना सेंटीमीटर आ रहा है, इसको और इसको भी मेजर करके लिख लेना है, ठीक है। तो ये तो थी बात लेंथ को स्केल के फॉर्म में चेंज करने का। अब हम देखेंगे कि जो किलोन्यूटन दिए हुए हैं, ये जो किलोन्यूटन दिया हुआ है सभी, उसको आप स्केल में कैसे चेंज करना है। तो मैंने यहाँ माना है, मैंने मान लिया है 50 किलो न्यूटन को मैं 1 सेंटीमीटर लेता हूँ, ठीक है। 50 किलो न्यूटन को मैं 1 सेंटीमीटर लेता हूँ, तो मैं 100 किलो न्यूटन को क्या लिखूँगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह 200 किलो न्यूटन आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 400 किलो न्यूटन 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये अभी हो सकता है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, इसका हम ग्राफ खींचेंगे। कैसे इन फोर्सेस को हम सेंटीमीटर में लिखे हैं वो आप लोगों को ग्राफ में पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं, यहाँ इसका वैल्यू था 500 किलो न्यूटन और इसका भी वैल्यू था 500 किलो न्यूटन, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे देखते जाते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, क्लियर। तो देखते जाते हैं, अब हमको क्या करना है, दो फोर्स के बीच जो डिस्टेंस मिल रहा है, या दो फोर्स के बीच हम नंबरिंग करना चालू करेंगे, ठीक है। दो फोर्स के बीच हम नंबरिंग करना चालू करेंगे और हम क्लॉकवाइज आउटर साइड से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज जाते हुए इनर साइड चलेंगे, ठीक है। फिर से समझ ले, आउटर साइड से नंबरिंग चालू करते हुए घड़ी की दिशा में घूमेंगे और इनर साइड जाएंगे। तो कैसे नंबरिंग करना है, अब देख रहे हैं हम, एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये है, इन दोनों फोर्स के बीच हमको नंबरिंग करना है। तो या तो आप लोग 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग कर सकते हो, या तो अच्छा इसमें ए बी सी डी कैपिटल में दिया है तो आप लोग स्मॉल में लिख सकते हो, तो मैं स्मॉल ए बी सी डी का यूज़ करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, तो इसके बीच हो जाएगा स्मॉल ए। इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूँ। इस फोर्स से इस फोर्स तक जा रहे हैं तो ये स्मॉल ए हमने दिया है नाम। फिर ए से फिर हम सॉरी इस फोर्स से इस फोर्स तक जाएंगे, इस फोर्स से इस फोर्स तक जाएंगे, तो मैं मान लेता हूँ उसको बी नाम दूंगा, बी नाम दे रहा हूँ। अब मैं 200 किलो टन जो फोर्स दिख रहा है 400 तक जा रहा हूँ, दो फोर्स के बीच को नाम देना है, तो इसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल सी नाम दे देते हैं। ये कैपिटल वाले को सबको मिटा देते हैं हम पहले। अब उसी तरह इन दो फोर्स के बीच आ रहा है, हम डी नाम दे देते हैं स्मॉल डी। उसी तरह ये स्मॉल ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसा हमने यहाँ से यहाँ तक को नाम दिया था ए, तो इस फोर्स से इस फोर्स तक आ रहे हैं तो हमने एफ नाम दिया है। अब हम लास्ट में क्या देख रहे हैं, एक फोर्स ये है दूसरा फोर्स ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच और कोई फोर्स नहीं है, तो इन दोनों फोर्स के बीच को हम ई के बाद एफ के बाद जी नाम देते हैं, जी नाम दे दिया हमने। अब हम आउटर साइड को तो कवर कर लिया हमने, अब इनर साइड को कवर करना है, तो फिर से जी के बाद आगे बढ़ते हैं, इसको हम एच नाम दे देते हैं, इसको आई नाम दे देते हैं,
इसको जे नाम दे देते हैं और ये हो जाएगा के। ये हमने स्मॉल लेटर में नाम दे दिया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, दो फोर्स के बीच नंबरिंग कर रहे हैं या नेमिंग कर रहे हैं। तो दो फोर्स कौन कौन से होंगे, स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज। तो एक फोर्स ये, दूसरा फोर्स ये, इन दोनों के बीच ए नंबरिंग हो जाएगा। फिर एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, बी हो जाएगा। उसी तरह सी डी ई एफ। अब इस फोर्स से इस फोर्स तक का डिस्टेंस देखो, इसके बीच और कोई फोर्स नहीं है तो ये नंबरिंग हो जाएगा जी, ठीक है। अब हमने आउटर साइड कवर कर लिया, अब इनर साइड कवर करना है, तो ये एच आई जे के, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबरिंग कर लिए हैं। अब ये नंबरिंग करने के बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जो जस्ट इसी के नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ड्राइंग शीट में इसको टॉप में बनाना है और जस्ट इसी के ही नीचे है ना, हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे ग्राफ बनाना। तो आइए दोस्तों, हम जो ग्राफ बना रहे हैं उसको एनिमेशन के थ्रू समझते हैं कि कैसे ग्राफ हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो आइए एनिमेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने देखा था, हमने एक लाइन लिया जिसको ए बी नाम दिया, ठीक है। अब हम ए से 30 डिग्री लेंगे एक एंगल और लाइन एक्सटेंड कर देंगे। उसी तरह पॉइंट बी से 30 डिग्री एंगल लेंगे, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट, उसको सी नाम दे देंगे और उसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट को एफ नाम दे देंगे। ए सी का जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको लोकेट करके उसको एफ से मिला देंगे और एफ से सी को मिला देंगे, और उसी तरह सी बी का सेंटर पॉइंट लोकेट कर देंगे और एफ से मिला देंगे, एफ ई हो जाएगा। इसी तरह हम पॉइंट को लोकेट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि सपोर्ट को हमने दिखा दिया है और जो भी फोर्सेस इसमें लग रहे हैं उसको हम शो कर देंगे, क्या क्या फोर्सेस कहाँ कहाँ पर कितने लग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ई में लोकेट हो रहा है और बी में लोकेट हो रहा है, और जिस तरह से एफ में फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने दिखा दिया 4 मीटर ए से एफ तक का, और एफ से बी तक का डिस्टेंस भी 4 मीटर है, ये भी हमने दिखा दिया, और सारे फोर्सेस को हमने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोगों को ये ट्रस प्रिपेयर करना है, ये रफली है, उसके बाद हम देखेंगे स्केल वाइज, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसके आगे क्या करना है, हमको ट्रस बनाना है विथ मेजरमेंट। जैसे ये लाइन लिया हमने 8 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, क्योंकि ये 8 मीटर था, और हमने ये इंक्लाइन लाइन खींचा 30 डिग्री एंगल का, दोनों इंटरसेक्ट किए। अब जो लाइन था उसका मिड पॉइंट लेके सेंटर पे मिला दिए, फिर टॉप वाले लाइन पॉइंट को नीचे से मिला दिए, ठीक है। फिर एफ वाले पॉइंट को हम मिड वाले पॉइंट से मिला दिए। ये तो आप लोग बना चुके हैं, ये सिर्फ हम विथ स्केल बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसमें भी जो है पूरे फोर्सेस को शो कर देंगे, जो रिएक्शन आ रहे हैं हमको उसको भी शो करना होगा, ठीक है। आपको फिर से बता दूँ, ये जो ट्रस बना हुआ है ये विथ स्केल बना हुआ है ना, जो भी स्केल आप मेजर माने हैं उससे बना हुआ है। फिर जैसा कि मैंने पहले बताया था, दो फोर्सेस के बीच में आपको नंबरिंग करना है, तो यहाँ पे ए बी, इसी तरह सी होगा, फिर दो फोर्सेस के बीच होगा पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, फिर उसी तरह पॉइंट जी हम नाम देंगे। ये तो क्लॉकवाइज हमने आउटर का नेमिंग किया था। फिर इसी तरह हम इनसाइड का नेमिंग करेंगे, एच जैसे कि है आई, फिर जे, फिर के, इस तरह से हम नेमिंग कर देंगे, और जो रिएक्शन फोर्स आए थे उसको भी हम शो कर देंगे। फिर आपको क्या करना होगा, जो ए एफ लाइन दिया हुआ है वहाँ से उससे परपेंडिकुलर लाइन लंबवत एक आपको लाइन खींचना पड़ेगा, कोई भी लेंथ का, ठीक है, जो पॉइंट एफ से गुजरती हो, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है, एक आपने कोई भी लंबाई का एक लेंथ लिया, फिर जो आउटर में ए बी सी डी आए हैं उसको आपको लोकेट करते जाना है। जैसे ए को हमने लोकेट कर दिया, अब ए से बी में जाना है,
तो ये 100 किलोन्यूटन है, 100 किलोन्यूटन के लिए कितना सेंटीमीटर नीचे जाना है आप लोगों को? 2 सेंटीमीटर नीचे जाना है। वहाँ पे आपको स्मॉल बी पॉइंट मिलेगा। उसी तरह अगर आपको बी से सी जाना है तो 200 किलोन्यूटन नीचे जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो स्मॉल पॉइंट बी है उससे 4 सेंटीमीटर नीचे जाना पड़ेगा। फिर उसी तरह हम देखते हैं, इसको हमने सी नाम दिया, फिर सी से डी में जाना है तो 400 किलोन्यूटन नीचे जाना पड़ेगा, मतलब 8 सेंटीमीटर नीचे जाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये सी से हमने डी जो पॉइंट लोकेट किया है वर्टिकल लाइन में, वो 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। उसी तरह डी से ई में गए हैं तो फिर से 200 किलोन्यूटन है, मतलब 4 सेंटीमीटर नीचे जाना पड़ेगा। और उसी तरह ई से एफ गए हैं तो 100 किलोन्यूटन है, मतलब 2 सेंटीमीटर नीचे जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं आपको एफ से जी जाना है तो 500 किलोन्यूटन ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स दिया हुआ है। इसका मतलब है आपको पॉइंट एफ से जी में अगर जाना है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका पॉइंट जी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये तो आपने आउटर वाले को लोकेट कर दिया। अब इनर को लोकेट करना है तो कैसे करेंगे? पॉइंट जी से ए एफ के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे कोई भी डिस्टेंस का, ये हमने ले लिया। अब इसके आगे हम देखते हैं पॉइंट बी से, पॉइंट बी से हम एक लाइन लेंगे जो ए ए सी के, जो लाइन ए बी सी वाले लाइन है उसके पैरेलल होगा। उसी तरह अपोजिट साइड में आप देख रहे हैं पॉइंट ई से हमने लाइन लिया है जो जा रहा है पैरेलल जा रहा है, ई डी जो लाइन है उसके पैरेलल जा रहा है। फिर उसी तरह अगर आप देखेंगे कि आपको पॉइंट सी से लाइन खींचना है, फिर से आपको जो बी से लाइन लिए है उसके पैरेलल लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अपोजिट जाते हैं पॉइंट डी, तो पॉइंट डी में क्या है, फिर से आपको जो अपोजिट वाली लाइन है उसके पैरेलल लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग ने खींच लिया है। तो अब आप देख रहे हो पॉइंट बी और पॉइंट ई से आप लोगों ने जो एक लाइन लिया था वो पॉइंट जी वाले लाइन में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका नेमिंग होगा एच के, ठीक है दोस्तों। और उसी तरह पॉइंट बी को आपने एक्सटेंड किया था, और नीचे देखिए पॉइंट डी में जो डी से जो लाइन लिए थे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जे नाम होगा। और उसी तरह पॉइंट ई जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट सी वाले लाइन से, पॉइंट ई से जो हमने लाइन लिया था और पॉइंट सी से जो हमने लाइन लिया था वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट आई पे, तो उसको हम आई नाम देंगे दोस्तों, ठीक है। फिर इस तरह हम आई और जे को मिला देंगे। तो यहाँ तक ये नेमिंग वाला काम हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं कि कैसे आप लोगों को फोर्सेस को मेंशन करना है, कैसे इसको मेजर करके फोर्स कितना निकलेगा और उसका वो कंप्रेशन होगा कि टेंशन होगा, आगे हम इसको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के लास्ट, लगभग लास्ट पार्ट में है। आप लोगों ने इसके पहले ग्राफ बनाना सीख लिया था, ग्राफ कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देख लिया था आप लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये निकालना होगा कि हर एक मेंबर में फोर्स कितना आ रहा है और वो फोर्स कंप्रेशन है कि टेंशन है, वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से ट्रस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब पहले हमको फोर्स को, ये मैंने फोर्स को ड्रॉ किया है, अभी आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। पहले जो आपने ग्राफ जो वाइट शीट में बनाया था उसको देख लेना है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने ग्राफ बनाया था, तो जैसे बी से एच में गए थे, है ना, बी से एच में गए थे ग्राफ में, तो आपको डाउनवर्ड जाना पड़ा था, नीचे खींचना पड़ा था, ठीक है, नीचे खींचना पड़ा था। इसका मतलब क्या होगा, बी का बेस पॉइंट ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो ये एरो डाउनवर्ड जाएगा। तो एरो डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्या होता है, अगर जॉइंट के तरफ एरो आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कंप्रेशन, ठीक है। तो ये कंप्रेशन को शो कर रहा है, कंप्रेशन को शो कर रहा है ये। इसी तरह अगर आपको सी से आई में गए थे ग्राफ में, सी से आई में गए थे तो फिर से डाउनवर्ड जाना पड़ा था, लाइन नीचे खींचनी पड़ी थी, तो ये कंप्रेशन को शो करेगा, है ना, कंप्रेशन को शो करेगा, ठीक है। इसी तरह आपको ग्राफ में जैसे जैसे आपने लाइन प्रिपेयर किया था,
लाइन ड्रॉ किया था उसी के हिसाब से इसमें कंप्रेशन टेंशन आते जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से आप समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी मेंबर में कंप्रेशन टेंशन ये आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने नेचर देख लिया कि कैसे मेंबर्स में कंप्रेशन टेंशन डेवलप हो रहे हैं। अब रही बात इसमें फोर्सेस की, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैंने ड्राइंग शीट में प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, तो आप लोगों को मैं एग्ज़ाम्पल बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग ग्राफ में देखेंगे बी से एच में गए, है ना, बी से एच में गए, तो शीट में आप लोग मेजर करेंगे कि वो कितना सेंटीमीटर आ रहा है। स्केल से आप लोगों को मेजर करना होगा कि वो कितना सेंटीमीटर आ रहा है। हम लोगों ने पहले क्या माना था, हम लोगों ने ये माना था कि हमने 50 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर माना था, ठीक है। 50 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर माना था। इसका मतलब क्या है, जो हम ग्राफ में बी से एच को मिलाए थे, मान लीजिए वो 5 सेंटीमीटर आता है, ठीक है, मान लीजिए वो 5 सेंटीमीटर आता है, क्लियर। तो 50 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर हमने माना था, तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 50, तो ये 250 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये जस्ट एग्ज़ाम्पल है जो मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को। जो आप लोगों को क्या करना है, जो ग्राफ बनाया है उसमें लेंथ को स्केल से मेजर करते जाना है, कौन सा लेंथ कितना आया। जैसे बी से एच आप जा रहे हैं, मतलब इस वाले मेंबर का आपको फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपको इस वाले मेंबर का फोर्स देखना है तो सी से आई जाना पड़ेगा, सी से आई जाना पड़ेगा। तो आप लोग ग्राफ में सी आई का लेंथ मेजर करोगे, जितना लेंथ आ रहा है सेंटीमीटर में आप लोग लिख लोगे, ठीक है। और हमने फिर से ये स्केल माना था, देख लो, है ना, जो भी सेंटीमीटर में आ रहा है उसको 50 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो यहाँ पे आप लोगों को फोर्स जो है मिलते जाएगा, ठीक है। फिर से ये देख लीजिए, जो जितने भी मेंबर्स हैं उसको उसके नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, पहले सीरियल नंबर, फिर जो भी मेंबर का आपको फोर्स निकालना है ना। फिर से देख लो, इस मेंबर का फोर्स निकालना है तो बी एच, इस मेंबर का फोर्स निकालना है तो सी आई, इस मेंबर का फोर्स निकालना है तो डी जे, इस मेंबर का फोर्स निकालना है तो ई के, इस तरह से आप लोगों को पॉइंट वाइज जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इन सभी मेंबर को ग्राफ में देखेंगे, है ना, इस सभी पॉइंट को ग्राफ में देखेंगे और लेंथ मेजर करते जाना है स्केल से, ठीक है। जो भी सेंटीमीटर में आता है उसको 50 से मल्टीप्लाई करते जाना है, क्योंकि हमने ये स्केल मान रखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें फोर्सेस आते जाएंगे और नेचर ऑफ फोर्सेस ये लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक का क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।